क्या आपके या आपके किसी परिचित के जीवन में आर्थिक समस्याएं हैं जो पीछा नहीं छोड़ रही है? अगर आपका जवाब हां है तो मेरे पास एक सिस्टम की जानकारी है जिसने पिछले 6 महीनों में मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाया है। अब आप सोच रहे होंगे कि वही होगा या वैसा ही कुछ होगा जो आज तक आप सुनते आए हैं, तो रुकिए, मैं सबसे पहले यह साफ कर देता हूं कि मैं किसी भी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी के बारे में बताने नहीं जा रहा हूं। यह ना तो कोई स्कीम है, ना कोई बिजनेस है, ना कोई इन्वेस्टमेंट है, ना कोई हेल्पिंग प्लान है और ना ही कोई कॉइन करेंसी। इसमें कोई प्रोडक्ट भी नहीं बेचना है और ना ही कोई रिप्लेसमेंट है। मैं केवल और केवल एक सिस्टम के बारे में बात करूंगा जो धीरे धीरे भारत के हर कोने में अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है और राष्ट्र सेवा की भावना से उन लोगों को मदद कर रहा है जिनकी मदद करने को कोई तैयार नहीं है। आइए जानते हैं कि ये सिस्टम क्या है। अगर मैं एक प्रश्न पूछूं कि क्या आपको याद है कि आप आखिरी बार पोस्ट ऑफिस कब गए थे, तो शायद आपका जवाब होगा याद नहीं। हमारी नए पीढ़ी को शायद पोस्टकार्ड, डाक टिकट या अंतर्देशीय पत्र के बारे में पता भी नहीं होगा। आइए हम सभी मिलकर भारत के छोटे से छोटे गांव तक पहुंच रखने वाले भारतीय डाक सेवा की और नई पीढ़ी का रुझान बढ़ाए और इसे जन जन में लोकप्रिय बनाएं और इस सिस्टम के माध्यम से देशवासियों की परेशानियों को कम करने में अपना योगदान दें। क्या आपने कभी ग्रीन ग्लोरी सिस्टम के बारे में सुना है? भारतीय पोस्ट ऑफिस को विदेशी कुरियर कंपनी के मुकाबले में खड़ा करना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय डाक सेवा को नंबर 1 का दर्जा दिलवाना, यह ग्रीन ग्लोरी का मुख्य उद्देश्य है। भारत में रहने वाला हर व्यक्ति इस सिस्टम से जुड़ सकता है जिसके पास पैन कार्ड या आधार कार्ड हो, स्थायी या अस्थायी एड्रेस हो, ईमेल आईडी हो, मोबाइल नंबर और 3,200 रुपए हो। अब मैं आपको बताता हूं कि मैं कैसे इस सिस्टम से जुड़ा और यह सिस्टम कैसे काम करता है। मेरे एक परिचित की मदद करने पर उसने अपने फॉर्म में मेरा नाम लिखकर मुझे रेफरेंस दिया। मैं एक बार 3,200 रुपए देकर इस सिस्टम में शामिल हुआ। मेरे आईडी पर 4 फॉर्म आने के बाद मेरे पास ऐसे 4 परिवार को जोड़ने का अवसर था जो जरूरतमंद है और उन्हें कोई मदद नहीं कर रहा है। मैंने केवल एक बार 4 लोगों से 3,200 रुपए लिए और उन्हें भी इस सिस्टम से मदद लेने के लिए निवेदन किया। 4 लोगों से कुल 12,800 रुपए लिए, जिसमें से मुझे आई हुई मदद के 3,200 रुपए निकाल लिए, बाकी बचे 9,600 रुपए जो लोग सिस्टम में मेरे ऊपर थे, उनमें से 9 लोगों को 1,000 रुपया भारतीय डाक के मनी ऑर्डर द्वारा भेज दिए। क्रमांक 10 से लेकर क्रमांक 2 वालों को 1,000 रुपया, ऐसे कुल 9,000 रुपये उनके लिखे पते पर मनी ऑर्डर द्वारा भेज दिए गए और मनी ऑर्डर की ओरिजिनल रसीद लगाकर फॉर्म स्कैन करके सिस्टम को वेबसाइट के आईडी द्वारा EMO PNR के साथ भेज दिया। भेजे गए मनी ऑर्डर की रसीद पर लिखे EMO PNR को भारतीय डाक के वेबसाइट पर ट्रैक कंसाइनमेंट में चेक किया जाता है। मनी ऑर्डर की पुष्टि होने पर मेरे द्वारा दिए गए 4 लोगों के नामों को भी सिस्टम में शामिल कर लिया गया। बस मेरा काम खत्म हो गया और उन 4 लोगों को भी यही काम एक बार करना है जो मैंने किया था और अपने मदद के 3,200 रुपए वापस निकाल लेने हैं और 9,000 रुपए का मनी ऑर्डर कर लेना है। एक बात समझ नहीं पाया था, 3,200 मैंने निकाल कर 9,000 का मनी ऑर्डर कर दिया,
लेकिन बाकी बचे 600 रुपए का क्या करना था? तो मुझे बताया कि जो 600 रुपए बचते हैं उसमें से 450 रुपए मनी ऑर्डर का चार्ज था, 50 रुपया फॉर्म का कलर प्रिंट आउट निकाल लेने के लिए थे और 100 रुपये फॉर्म स्कैन करके सिस्टम को वेबसाइट के आईडी द्वारा ईएमओ पीएनआर के साथ भेजने के लिए। कुल मिलाकर 600 रुपये होते हैं जो सिस्टम द्वारा अलग से दिए जाते हैं। सिस्टम द्वारा किसी भी प्रकार की कोई फीस या चार्ज नहीं लिया जाता। जब आप सिस्टम में शामिल होते हैं तो आप पहले नंबर पर होते हो। जिसने आपको इस सिस्टम में जोड़ा था वह दूसरे नंबर पर रहेगा। इसी तरह प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ने वाला व्यक्ति सिस्टम में उसके ऊपर रहेगा। जब आपको फॉर्म मिलते हैं तो आपको चार लोगों को सिस्टम में मदद मिलने के लिए जोड़ने का मौका मिलता है। जब आप चार लोगों को सिस्टम में मदद के लिए जोड़ते हो तो आपके जोड़े हुए हर व्यक्ति के फॉर्म में आप दूसरे नंबर पर होते हो। चार लोगों को मदद मिलने के लिए जोड़ते ही आपको 3,800 रुपए निकाल लेने हैं, जिसमें आपके द्वारा की गई मदद के 3,200 रुपए और 600 रुपए मनी ऑर्डर का खर्च और अन्य खर्चों के लिए सिस्टम में अलग से व्यवस्था है। आपके लोगों को भी यही काम एक बार करना है। जब उनके द्वारा चार लोगों को सिस्टम में जोड़े जाते हैं तो वह चार लोग आपको 1,000 का मनी ऑर्डर भेजते हैं। अब आपके साथ 16 नए लोग और जुड़ जाते हैं। 16 लोग भी अपने साथ चार नए लोगों को मदद के लिए जोड़ते हैं। अपने 3,800 रुपया निकालकर जब मनी ऑर्डर करते हैं तो आपको 16,000 रुपये की मदद और मिलती है। अब आप 64 लोगों के फॉर्म में चौथे नंबर पर होते हो और नए जुड़े 64 लोग आपको 1,000 रुपया भेजते हैं, जो 64,000 रुपया होते हैं। फिर 256 लोग आपको 1,000 रुपया भेजते हैं और आपको 256,000 की मदद मिलती है। अब आप 1,024 फॉर्म में छठे नंबर पर पहुंच जाते हो। अब यह सभी आपको 1,000 का मनी ऑर्डर करते हैं और आपको 10,24,000 रुपए की मदद और मिलती है। अब आप 4,096 फॉर्म में सातवें नंबर पर पहुंच जाते हो। अब यह सभी आपको 1,000 का मनी ऑर्डर करते हैं और आपको 40,96,000 रुपए की मदद और मिलती है। फिर 16,384 लोग आपको 1,000 रुपया भेजते हैं और आपको 1,50,00,000 के करीब मदद मिल जाती है। अब आप 65,536 फॉर्म में 90 नंबर पर पहुंच जाते हो। अब यह सभी आपको 1,000 का मनी ऑर्डर करते हैं और आपको 6,00,00,000 के करीब रुपयों की मदद मिलती है। अब आप 2,62,144 फॉर्म में 10वें नंबर पर पहुंच जाते हो। अब यह सभी आपको 1,000 का मनी ऑर्डर करते हैं और आपको 26,00,00,000 रुपयों की मदद और मिल जाती है और आप सिस्टम से बाहर हो जाते हो। आपके सिस्टम में शामिल होने से लेकर इस प्रक्रिया को पूरा होने तक आपके पास लगभग 35,00,00,000 रुपया आ चुके होते हैं। आप दोबारा फिर से इस सिस्टम में जुड़ सकते हैं। आपको नए सिरे से नीचे से शुरुआत करनी होगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके सिस्टम में शामिल होने से लेकर बाहर निकलने तक आप उन 3,49,524 लोगों को पोस्ट ऑफिस भेज चुके होते हैं, जिन्होंने कई सालों से भारतीय डाक के बारे में सोचना भी छोड़ दिया था
और इन लोगों के माध्यम से जब तक आपके लगभग 35 करोड़ रुपयों की मनी ऑर्डर आपको मिलती है, तब तक आप और आपके साथ जुड़े लोग पोस्ट ऑफिस में 15 करोड़ से भी ज्यादा का मनी ऑर्डर चार्ज दे चुके होते हैं। और देखिए, इस पूरी प्रक्रिया में ग्रीन ग्लोरी द्वारा कोई फीस, चार्ज या मदद नहीं ली गई है। है ना अद्भुत ग्रीन ग्लोरी। तो आइए, भारत के प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे को जोड़ने वाली भारतीय डाक सेवा का नई पीढ़ी में प्रचार करें और नई पीढ़ी अधिक से अधिक पोस्ट ऑफिस की सेवा का उपयोग करे, इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित करें। खुद की मदद के लिए दूसरों की मदद करें। राष्ट्र निर्माण के इस अनोखे पहल में अपना अमूल्य योगदान दें। धन्यवाद ग्रीन ग्लोरी, तेरी तो जय हो।